सुप्रभात बच्चों, विज्ञान के तीसरे अध्याय जल के अंतर्गत हम लोग जल संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में अधिकतर वर्षा जुलाई से सितंबर महीने में होती है। मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसमें सालों भर वर्षा होती है, इसलिए इसे मेघों का घर भी कहा जाता है। वर्षा गर्मी के दिनों में जहाँ राहत प्रदान करती है, वहीं कृषि कार्य में भी अहम भूमिका निभाती है। परंतु अत्यधिक वर्षा जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, बाढ़ का भी रूप ले सकती है। बाढ़ के कारण लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर ज़्यादा दिनों तक बारिश ना हो तो कुआं, नदी, तालाब, झरना आदि सूखने लगते हैं। इसे सुखाड़ कहते हैं। पानी के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, कोसों दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। इस कठिनाई से हम सभी अवगत हैं। सुखाड़ की स्थिति में खाद्यान्न एवं चारे की भी कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में पानी का संरक्षण आवश्यक हो जाता है। बच्चों, हम समझ चुके हैं कि वर्षा की कमी या अधिकता दोनों ही हानिकारक है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। ऐसे में आवश्यक है कि हम वर्षा जल का संग्रह करें। आप अपने घर की छतों पर भी जल को पाइपलाइन के माध्यम से भंडारण टैंक के पाइपों द्वारा जमीन में ले जा सकते हैं। इस जल का उपयोग करने से पूर्व इसे फिल्ट्रेशन करना आवश्यक होता है। इस वर्षा जल को भौम जल की पुनः पूर्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार भी डोभा निर्माण का कार्य कर जल संरक्षण का कार्य कर रही है। हम लोग अपने घरों में भी 100 फीट बनवाकर जल का संरक्षण कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में कुआं की मिट्टी निकालकर उसमें भी पानी संग्रह किया जा सकता है। इस प्रकार बच्चों, हम लोग जल का उपयोग सही तरीके से करें, जल की बर्बादी नहीं करें, जितना आवश्यक हो उतना ही जल का उपयोग करें, क्योंकि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। इससे पूर्व हम जल के महत्व को जान चुके हैं। धन्यवाद।